হরি বল 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 হরি 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 বল হরি হরি বল নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ईश्वराले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकिशोरे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तत् कञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भजामि राधाङ्गमरविन्द नेत्रान् स्मरामि राधाङ्ग मधुरस्मितास्यान् वदामि राधाङ्ग करुणाभराद्रान् तत् मम नास्ति गतिर्न क्वापि राधा करावचित वल्लभ वल्लरीते राधा पदाङ्क विलस मधुरस्थलिते राधाङ्गज समुखम्
गंगावन बलिते राधा बिहार विपिने रामदान मनो में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का बहुत 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 ही अच्छा दिन है। श्री राधा रानी के जन्माष्टमी को उपलक्ष्य करके हम सब के सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कहते श्रीमती राधा रानी कभी ये बड़ी दयालु है, ये बड़ी कृपालु है, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं करुणा कुरुमयी करुणा भरिते। ये राधा रानी कौन है? बोले ये साक्षात करुणा कृपा की ये साक्षात ये मूर्तिमान स्वरूप है, इसलिए कहते कृष्ण की कृपा ही। बोले राधा रानी है कौन? अभी अभी आप लोग हमारे प्रभु को मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे, इसलिए बताए राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात देहात्मना भूमि पुरो देहा भेद चैतन्य प्रकट मधुना तद्वयम चैकमात्म राधा भाव दुति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। क्या क्या हो रहा है तुम लोग? ट्रांसलेशन करना है। बैठ जा सो अंग्रेजी भक्तों बीच में बैठ जाओ वहां पर पिछले खड़े हो उनको बीच में बैठ जा। सब पास में है मशीन जिसको नहीं तो यहाँ बीच में बैठ जाओ जिनको पास में जिनको पास में नहीं तुम्हारे पास में बैठ जाए और दूसरे लोग अपना दूर में बैठ जाते हैं। जब वहाँ बीच में बैठ जा बीच में वहीं पर बैठ जा। बोले श्रीमती राधा रानी की राधा कृष्ण प्रणय विकृति। कहते श्रीमती राधा रानी है कौन? बोले कृष्ण का जो प्रेम है जब एक रूप धारण करती है कहती है श्रीमती राधा रानी, इसलिए गुरुदेव कहते हैं राधा रानी की दो रूप है। कहते एक मूर्त और एक अमूर्त है। कहते मूर्त मतलब जैसे हम राधा रानी को दर्शन करें राधा रानी यहाँ पर कहती है इनका मूर्त स्वरूप है। कहती अमूर्त जब मूर्ति रूप में नहीं कहते वो क्या है? तब हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताए बोले महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। कहते कृष्ण प्रेम का ही मूर्तिमान स्वरूप है। पहले भक्ति का जो शुरुआत है पहले श्रद्धा से शुरुआत होता है, फिर धीरे धीरे भक्ति बढ़ते बढ़ते फिर इस पर साधु संग मिलता है, फिर साधक सतगुरु चरणाश्रय करते हुए फिर ये भजन क्रिया प्रारंभ करता है। भजन करते करते हृदय का जितना अनर्थ दूर होता है फिर धीरे धीरे हमारी रुचि उसको बाद में भक्ति पर निष्ठा रूप धारण करता है। ऐसे धारण करते करते फिर ये भाव रूप और लास्ट में ये प्रेम रूप में साक्षात कृष्ण का दर्शन है। उसको बाद में फिर प्रेम बढ़ते बढ़ते जैसे दूध को गर्म करते 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 जैसे राबड़ी बनता है उसी तरह ये प्रेम जब घनीभूत अवस्था धारण करता है स्नेह मान प्रणय राग भाव महाभाव
जब प्रेम का जो अंतिम जो स्वरूप है कहते महाभाव है, कहते जो महाभाव स्वरूप श्री ये राधा ठाकुरानी। इसलिए कहते अभी प्रश्न है, फिर ये कृष्ण ये राधा जी की स्वरूप उन्होंने क्यों धारण किया है? बोले श्री राधा रानी की जय। अभी प्रश्न है, फिर ये कृष्ण ये राधा जी का स्वरूप क्यों धारण किया? अब लोग अभी अभी श्रवण किया है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, उनका अभिन्न जो स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। इसलिए हमारे पुराण में आता है, एक समय गोलोक वृंदावन में कृष्ण कल्प वृक्षों के नीचे खड़े हुए। अभी कृष्ण सोच रहे हैं एक स्वरूप को द्वारा मैं लीला नहीं कर सकता हूं जब तक मैं बहु नहीं हो जाऊं। हाँ, अभी कृष्ण स्मरण करते करते अभी कृष्ण का जो बाम अंग भड़कना शुरू किया, भड़कते भड़क भड़कते कृष्ण का बाम अंग से एक अद्भुत तेज स्वरूपिणी एक सुंदरी नारी प्रकट हुई। इसलिए राधा रानी कहते रास लीला से प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम पड़ गया रा। जब उसने प्रकट हुई सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करते हुए कृष्ण की पूजा करने के लिए जब दौड़ी धावित तो हुई, इसलिए उनका नाम पड़ा रा और ये धा नाम पड़ा है। इसलिए रा मतलब होता है भक्ति और धा मतलब जो भक्ति को देने वाली, कहते ये राधा रानी। कहते जो राधा शब्द है, कहते राधा रानी का जो नाम है ये सर्वत्र है। वेद उपनिषद पुराण ऐसे कोई ग्रंथ नहीं जहां पर श्री राधा रानी का नाम नहीं हो। सर्वशास्त्र में राधा जी का नाम है, लेकिन डायरेक्ट पढ़ तो राधा रानी का नाम सहज में नहीं मिलता है। जब तक हम गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं तब तक राधा जी का नाम हमें सर्वत्र नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं कि जैसे ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, अब डायरेक्ट पढ़ो कहीं राधा का नाम ही आपको नहीं मिलेगा। बोले क्यों नहीं मिलेगा? ये भागवत ग्रंथ हो, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। हाँ, सारे ग्रंथ का सार ही भागवत है, पर राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं मिलता? कारण क्या है? इसलिए और वृंदावन में जाओ, वृंदावन यद्यपि कृष्ण का धाम है लेकिन एक को भी अब कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं वृंदावन में? सबके सब राधे 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 बोलते हैं। किसी को कृष्ण का धाम तो वृंदावन, लेकिन वृंदावन में एक को भी कृष्ण नाम लेते हुए कहीं नहीं मिलेगी। जहां जाओ देखना कि रिक्शा वाला उसमें विवेल नहीं होगा, वो बोलेगा नहीं हार्ट हार्ट बोले राधे राधे। अगर वृंदावन में देखना अगर किसी को कोई बुला रहा है ना, नहीं बुलाएगा राधे राधे, और बुलाएगा तो राधे नाम से। हाँ, अगर कोई प्रसाद पा रहे हैं जब बोलेगा भाई कुछ साग सब्जी दो, वो बोलेगा नहीं बोले राधे राधे। कहते वृंदावन में राधा रानी की नाम की इशारा पर वो सारे काम वृंदावन में होता है। हाँ, इसलिए फिर प्रश्न है, फिर ये भागवत मेन ग्रंथ है, फिर इसमें राधा जी का नाम फिर क्यों सुखदेव गोस्वामी ने दिया? तब हमारे गोस्वामी लोगों ने उसको पीछे उन्होंने कुछ कारण बताए। पहला कारण बताए, ये सुखदेव गोस्वामी को 7 दिन में ये भागवत कथा सुनानी है। अभी राधा रानी का नाम साक्षात प्रेम स्वरूपिणी लादिनी शक्ति है, भगवान की स्वरूप शक्ति है, पराशक्ति है। कद एक बार जब वो राधा रानी का नाम लेते थे, श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं बोले राधा नाम उच्चारण मात्रेण सड़मार्सी के मूर्छा भवे। बोले एक बार राधा नाम लेते 6 महीना तक वो बेहोश हो जाते थे। बोले भैया मेरे पास में केवल ही 7 दिन में कथा सुनानी, अगर 6 महीना बेहोश हो गया ये पूरी कथा कैसे सुनाएं? इसलिए उन्होंने राधा रानी का नाम उन्होंने स्पष्ट रूप में नहीं लिया, इसका एक कारण बताए। दूसरा कारण बताए, भागवत प्रारंभ होने से पहले श्री सुखदेव गोस्वामी राधा रानी से प्रार्थना करते, बोले हे राधे आपका नाम को ये भागवत ग्रंथ में किस रूप में ग्रहण करूं? राधा रानी का डायरेक्ट आदेश है, लेना तो कहीं डायरेक्ट रूप में मेरे नाम को नहीं लेना, लेना तो छुपा करके लेना। हाँ, इसलिए राधा रानी का आदेश को पालन करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहीं स्पष्ट रूप में नहीं देखा,
यद्यपि भागवत में राधा जी का नाम छोड़कर कुछ है ही नहीं, हाँ, इसलिए गुरु जी कहते हैं साधारण लोग का जो भावना है ये भागवत कृष्ण पर ग्रंथ है। गुरु जी कहते नहीं, ये भागवत कृष्ण पर ग्रंथ नहीं, ये भागवत श्री राधा पर ग्रंथ है, जिसमें राधा रानी की ही जिसमें विशेष महिमा को गाई गई है, हाँ? इसलिए क्योंकि भागवत का जो प्राण बताए, क्या भागवत का प्राण है, भागवत का जो भागवत का स्वरूप बताए कृष्ण का रूप है। कहते दसम स्कंधों को क्या बताए, प्रथम द्वितीय स्कंध दो चरण, तृतीय चतुर्थ स्कंध दो उरु, पंचम स्कंध नाभि, षष्ठ सप्तम स्कंध दो हाथ, अष्टम स्कंध छाती, नवम स्कंध कंठ, दसम स्कंध एक दसम स्कंध मुखारविंद, एकादश ललाट, द्वादश सिरे। कहते उसमें सबसे बढ़िया अंग किसको बताए, बोले मुंह है। जब हम किसी व्यक्ति को हम देखते हैं हमारी नजर कहाँ पड़ता है, हाथ में प्यार को देखते हैं कोई नहीं, एक व्यक्ति को पहचानते, भैया इसका नाम क्या, शशिकला, इसका नाम क्या है, राधा रमन, हम कैसे पहचानते हैं, मुंह देख करके पहचानते हैं, हाँ, किसी व्यक्ति को। इसलिए दसम स्कंध को बताया जिसमें भगवान की कथा है, कहते ये भगवान के मुखारविंद है, हाँ, ये मुखारविंद है, लेकिन एक व्यक्ति दुखी ना सुखी हम कैसे समझेंगे, अगर मुंह लटका हुआ हो बोले भैया दुखी है, अगर खिला हुआ हंस रहा है बोले भैया ये सुखी है, बोले उसी तरह बताए इसमें हंसी क्या है, दसम स्कंध मुखारविंद है, हंसी क्या है, बोले रास लीला है, हाँ, इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं रास लीला में पांच अध्याय हैं, पांच अध्याय नहीं कभी पंच प्राण हैं, जैसे शरीर हो, अगर शरीर में प्राण नहीं हो तो ये सब के सब बेकार है, कभी उसमें प्राण क्या है, बोले रास लीला है, बोले रास लीला में इसमें सर्वश्रेष्ठ किसको वर्णन किया गया है रास लीला में, कभी रासेश्वरी कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी, क्योंकि रास लीला होते समय इतने में जो प्रभु रास कर रहे थे, अभी एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, हर गोपियां देख रही थी कृष्ण मेरे पास में, हाँ, वो नहीं देख रही थी कृष्ण सबके पास में, लेकिन अकेली राधा रानी देख रही थी कृष्ण सबके पास में भी है, कृष्ण मेरे पास में भी, बस राधा रानी को तो मान हो गया, हाँ, राधा रानी को मान हो गया, जब मान हो गया इतने में राधा रानी रास लीला छोड़कर चली जाती, देखो वहां पर कृष्ण भी है, चंद्रावली भी है, ललिता भी है, विशाखा भी, सबके सब कृष्ण स्वयं रासेश्वर है, कृष्ण सबके सब है, लेकिन जब अकेली राधा रानी रास लीला छोड़ जाती हैं, रास टूट गए, रास नहीं हो पका, स्वयं कृष्ण सब सखियां रहते हुए भी रास बंद हो गया, क्योंकि रासेश्वरी स्वयं श्रीमती राधा रानी वहां से चली गई, और कृष्ण राधा जी की विरह में दुखी हो गए, कृष्ण सारे रास को छोड़े और श्री राधा रानी को अकेले लेकर के श्याम सुंदर चले जाते हैं, हाँ? इसलिए कद यहाँ पर श्रीमद् भागवत में रासेश्वर जिसका सर्वश्रेष्ठ जो नाम है श्री राधा रानी के सर्वश्रेष्ठ जो स्थापन करते हैं, जिस समय अभी सबके सब ब्रज गोपियां ढूंढ रही कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ, जब थोड़ी दूर गए देखा कृष्ण का चरण चिन्ह देखा, बोले भैया तो कृष्ण का चरण चिन्ह है, क्योंकि सबके सब गोपियां उनकी चरण की सेवा करती हैं, लेकिन जब और थोड़ी दूर गए देखा भैया ये दो चरणों के बीच में एक छोटी सी बड़ी एक प्यारी, लगता है किसी किशोरी की चरण चिन्ह है, हाँ, किशोरी की चरण चिन्ह है, जब उन्होंने ये चरण चिन्ह को उन्होंने देखा, देख करके कहते यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी और राधा रानी के पक्के के जो गोपियां, क्योंकि राधा जी के चरण की सेवा कौन करती है, रूपमंजरी ललिता विशाखा, इसलिए इनको राधा रानी के चरण में क्या क्या चिन्ह है केवल इन्हीं को पता, और सबको पता नहीं, ये चंद्रावली दलों को पता नहीं है, केवल इन्हीं को ही पता है। इतने में गोपियां तो एक तरफ में कह रही है भले भैया भले ही जिसको सर्वश्रेष्ठ मानना मानो चंद्रावली मंद्रावली आदि, लेकिन देखो तो सही हमारे श्याम सुंदर किसको लेकर गए यहाँ से, हाँ, केवल हमारी राधा रानी को लेकर गई। कहते श्री सुखदेव गोस्वामी, कहते सुखदेव गोस्वामी कौन है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चोम्बनेना,
एकांत कनन रहस्य पाठात निकुंज प्रसाद सदा निवासी, जो राधा रानी के निकुंज में रहता है। हाँ, राधा रानी की ये प्रिय सुख है। कल श्री हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कहते सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हो गए, उनको तो हृदय में जद्दे भी उनको बोला था देखो राधा रानी का नाम कहीं उच्चारण नहीं करना, लेकिन जब देखा देखो तो सही श्याम सुंदर सबसे ज्यादा किसको प्रेम कर रहे हैं। उन्होंने सब सखियों को त्याग दिया और हमारे श्री राधा रानी को ही यहाँ पर अकल लेकर गए। सुखदेव गोस्वामी का हृदय तो आनंद में समाया नहीं, उन्होंने वहां पर उन्होंने जोर से इस श्लोकों को विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, जैसे किसको विजय होता है, विजय होने पर क्या करते हैं लास्ट में शंख बजाते हैं, भैया हमारा विजय हो गया है। कहते ये जो श्लोक है, कहते ये शंखनाद है, श्री राधा रानी की शंखनाद है। भागवत में जितने भी कृष्ण के बहुत सारी सखियां हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है, बोले अनया राधित नुनम, कहते यही सखी ही ये सर्वश्रेष्ठ रूप में कृष्ण की चरण की सेवा की, जिस वजह से श्याम सुंदर सबको छोड़े और अकेले हमारे श्री राधा रानी को लेकर जा रहे हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए यहाँ पर बताए जो राधा रानी का जो नाम है, यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी नहीं, छटपड़ मत करना, चुप कर बैठ। इसलिए कभी यहाँ पर राधा रानी का नाम सुखदेव गोस्वामी इसलिए स्पष्ट रूप में नहीं लिया, श्री राधा रानी की आदेश थी, कभी ये एक कारण बताए। हाँ, लेकिन राधा रानी ने बताया देखो देना तो देना, लेकिन छुपा करके, बोले छुपा करके भैया क्यों बताए, कारण क्या? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से कारण बताते हैं, जो प्रेम को जितने छुपाया हुआ रहेगा ना, वो प्रेम के इतने सौंदर्य बढ़ता है। हाँ, कहते उदाहरण गुरुदेव उदाहरण देते हैं, कहते कि सुंदरी से सुंदर स्त्री हो, लेकिन अगर अपना घूंघट उघाड़ करके मेन रोड में चलता है, बोले भैया इस बहुत चलती है, लेकिन एक काली कलौटी दांत निकली हुई हो, लेकिन वो घूंघट उतार करके अगर रास्ता में चलता है, सब बोले भैया कैसे कैसे देखना, वो बड़े उत्साह रहता है देखने में। इसलिए पहले माताएं कोई सिर से कभी कोई कपड़ा नहीं हटाया करते थे, सबके सब सिर को ढक करके रखते थे। हाँ, इसमें सुंदरता है। इसलिए प्रेम को जितने छुपा करके हम रखेंगे, प्रेम की इतने महत्व है, इसलिए उन्होंने छुपा करके राधा रानी को रखे, क्योंकि ये कृष्ण के हृदय की धन है। हाँ, इसलिए इसका एक कारण बताए। तीसरा कारण बताए, अगर कोई बोले भैया यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर थोड़ी अकेला आएगा, पूरा अपना परिवारों को साथ में आएगा, अकेला नहीं आएगा यहाँ पर। उसी तरह कृष्ण आए हैं, लेकिन कृष्ण थोड़ी अकेले आएंगे, कृष्ण अकेले नहीं आएंगे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब कृष्ण का नामकरण कर रहे थे, नामकरण करते करते वहां भी राधा रानी का नाम बोल दिया, बोले रमा क्रीडन अभूत नृप, बोले परीक्षित जब श्री कृष्ण आए, नंद बाबा इतने लूटाए, 20 लाख तो गया उन्होंने दान दिया। हाँ, और सख्यात वहां पर कुबेर जी आए थे। हाँ, कुबेर सख्यात वहां पर आए, नंद बाबा इतने धाम दौलत तो लुटा रहे थे, कुबेर देख देख रहे, बोलिया भगवान मेरे को झूठ मूठ का कुबेर बना दिया। अरे नंद बाबा इतने हीरे जवाहरात अशरफियों को दान दे रहे हैं, ब्राह्मण लोग तो गठली बांध कर नहीं ले पा रहे हैं, वो गठली के कोने से गिरते जा रहा है, अली गली अभी हीरे जवाहरात अशरफियों से भरा पड़ा हुआ, ऐसे लग रहा है कृष्ण जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं ये अली गलियों में नाच रही है यहाँ पर। लक्ष्मी बोले भोले बाबा स्वयं वहां पर आए थे नंद महोत्सव को देखने के लिए, लेकिन नंद बाबा इतने गया दान कर रहे थे, भोले बाबा तो डर गए, बोले क्यों, बोले भैया मेरा वाहन भी नंदी है, ये भी बैल है, हो ना हो गैया को देते देते ये भूल से मेरे नंदी को भी नहीं देते। इसलिए शंकर जी ने किया नंदी को पूछ पकड़ ली, बोले भैया मेरे नंदी को मत दिया करो, नहीं तुम्हारा वाहन कहाँ चला जाएगा। हाँ, कहते वहां पर मैया
पार्वती भी आई थी, बोले हाथी घोड़ा पालकी, हाँ हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया। इसलिए कहते वहां पर इतने हाथी घोड़े दान दे रहे थे, मैया पार्वती बोली हे भगवान इतने हाथी घोड़े दे रहे, मेरा जो लाला है गणेश इसका मुंह भी हाथी जैसे हो ना हो, ये भूल से ये हाथियों को देते देते मेरे लाला जो गणेश को भ्रम से ये हाथी को भी हमारे बेटे को भी हाथी मान कर नहीं दे दे। मैया पार्वती तो गणेश जी को गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके अपना गोद में भर लिया। हाँ इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कहते भाई प्रश्न है यहाँ पर इतने धन दौलत आया कहाँ से, जो कि अली गलियों में हाँ कहते एक लक्ष्मी नहीं ब्रह्मा तो कहते हैं लक्ष्मी सहस्र सतसम ब्रह्म सिद्धमानम गोविंद मादि पुरुषम तमम भयामी। हम तो एक लक्ष्मी की बात जानते हैं, कहते एक लक्ष्मी नहीं जहाँ पर हजार हजार लक्ष्मियां जहाँ ब्रज में क्या करती हैं, हर जगह में लक्ष्मी को देखो ऐसे बैठते हुए देखोगे आशीर्वाद देते हुए, लेकिन ब्रज में आओ बेलवन में गए हो लक्ष्मी कैसे बैठी है हाथ जोड़ कर बैठी, हाँ जहाँ पर झाड़ू की काम कर रहे हैं लक्ष्मियां। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर श्री बोले यहाँ पर मूल लक्ष्मी कौन है, बोले स्वयं राधा रानी, जब कृष्ण आए स्वयं किशोर जी श्री राधा रानी भी वहां पर आ गए, इसलिए उन्होंने छुपा छुपा करके श्री राधा रानी का नाम को ग्रहण करते हैं। उसका और कारण बताए क्यों राधा जी का नाम स्पष्ट रूप में नहीं, एक उदाहरण दिया कहते जैसे मेहंदी पता है, मेहंदी पता देखे कि नहीं सब लगाते ना माता है सब हाथ में क्या लगाती है इसको क्या बोलते हैं मेहंदी, मेहंदी लगाते हो वो मेहंदी पता देखे हो कभी आप लोग, तो पाउडर मिल जाता है पेड़ तो देखे ही नहीं, इसलिए उसका जो पता है वो देखने में हरा हरा है मेहंदी पता, लेकिन उसका कण कण में लालिमा है, लेकिन वो लाल प्रकट कैसे होता है ऊपर से तो दिखता है हरा हरा, बोले उसको पीसो तभी वो हरा हरा दिखेगा, जब हाथ में लगा दे तो हाँ डेकोरेशन कर हाथ में जब सूख जाए वो मेहंदी पता ऐसे लाल बन जाते हैं, एक महीना तक तो छूटता नहीं पूरा रंग ही नहीं छूटता है। कहते उसी तरह जैसे मेहंदी पत्ते के ऊपर ऊपर से लगता है हरा हरा लेकिन उसका कण कण में लालिमा है, कहते उसी तरह श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ऊपर से तो क्या दिखता कृष्ण 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 है लेकिन उसका अंदर में देखे तो क्या क्या राधे 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 राधे, अंदर में राधा रानी का नाम छोड़ और कुछ है ही नहीं आपको और कुछ मिलेगा नहीं केवल राधा ही राधा ही मिलेगा। हाँ इसका एक कारण बताए और कारण बताए बोले देखो भागवत में देखो पूरा दशम स्कंध में कृष्ण कृष्ण कथा, हाँ पूरा कृष्ण अघासुर बकासुर पुतना को मारना ये सब यही मिलेगा कृष्ण कृष्ण कथा मिलेगा भागवत में। तब उन्होंने उदाहरण दिया बोले कृष्ण का जो भक्ति है कहते जैसे एक बहता हुआ नदी, जैसे बहता हुआ नदी का पानी सब पी सकते हैं, एक जानवर एक चिड़िया एक इंसान, अगर कुएं में पानी हो तो वो क्यों कुएं का पानी सभी नहीं पी सकते हैं, कौन पी सकता जिसको पास में कोई रस्सी हो, अगर कोई पात्र हो वही व्यक्ति ही वो पात्र को डाल करके वो कुएं का पानी पी सकता है। हाँ कहते कुएं का पानी एकदम निर्मल शुद्ध पवित्र होता है और जो नदी का पानी कितने चीज मिलते हुए उसमें बहते बहते जा रहा है। कहते जो कृष्ण भक्ति सब कर सकते हैं लेकिन जो कुएं का पानी मतलब राधा रानी का भक्ति, बोले राधा रानी का भक्ति सभी नहीं कर सकते, इसलिए श्रीमन महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार उन्होंने आए, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं बोले अनर्पित चरिं चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयित उन्नत उज्ज्वल रसांग सुभक्ति श्रुवम हरि पुरट सुंदर दूति कदंब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतो सचिनंदन। इसलिए कहते ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं राधा रानी का भाव और अंग कांति को लेकर के एक बार श्री सचिनंदन गौर हरि रूप में आते हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कहो आकर के क्या देते हैं, बोले स्व भक्ति श्रियम,
कहते अपना भक्ति तो राधा रानी के, राधा रानी को क्या देते? बोले नहीं, बोले श्रीयम कहते उसकी शोभा हाँ, उसका माधुर्य प्रदान करती है, राधा रानी के भाव की एक बूंद को प्रदान करते हैं हाँ, इसलिए जिसको कहते ये मंजरी भाव जिसको बताया, भावोल्लास रति जिसको बताया गया, ये दुर्लभ प्रेम को एक बार आ करके देते हैं। कहते भैया कौन दे सकता है, जैसे आपके पास में 100 रुपया आप भी तो दे सकते हो, 1-2-10 रुपया आपके पास अगर नहीं होगा तो कहाँ से दोगे? वो प्रेम को कौन दे सकता है? बोले जिसको पास में धन हो वही तो दे सकता है। इसलिए अभी कलयुग में महाप्रभु और राधा रानी का भाव अंगगति को लेकर के आए, इसलिए कन्या तो टेढ़े हैं, तीन जगह को काले भी है और टेढ़े भी, अरे हमारी राधा रानी गोरी है और बड़ी सीधी साधी है हाँ, बड़ी दयालु है राधा रानी, इसलिए राधा रानी दयालु होने के नाते कृष्ण अवतार में नहीं दिया, राम अवतार वो चीज नहीं दिया है। बोले चिराद दत्तम निज गुप्त भीतम, बड़े दिन से जो बड़े छुपा करके जो प्रेम को उन्होंने रखे थे, केवल महाप्रभु का अवतार में वो दुर्लभ प्रेम को, बोले ब्रह्मा विरीचिर वांछित जय प्रेम जगत फलिल डाली, जिस प्रेम को ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद आदि जिस प्रेम के लिए तरसते थे, वह प्रेम को कलयुग में महाप्रभु आकर के सर्वत्र उन्होंने उड़ाल डाले वो प्रेम को, क्योंकि राधा रानी का भाव और ये अंग कांति को लेकर के ये कलयुग में आए हैं। इसलिए कभी ये राधा रानी की भक्ति को कौन पा सकता है? बोले जिसको पास में रसी और कोई पात्र हो। बोले भैया रसी और पात्र क्या है? कहते अगर जब तक कि कोई शुद्ध वैष्णव परंपरा, केवल वैष्णव परंपरा नहीं रसी की परंपरा में नहीं आएगा तब तक कोई दे नहीं सकता है। इसलिए हम लोग जिस परंपरा में आए हैं समझो इतने सौभाग्यवान हमें, इतने हम सौभाग्यवान जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारे जितने गुरु परंपरा कोई साधारण नहीं, ये माधवेंद्रपुरी से ये प्रेम का अंकुर शुरू हुआ है, जो महाप्रभु के पास में आया, महाप्रभु कौन स्वयं राधा रानी का भाव अंका लेकर के आए, वो प्रेम धारा आया कहाँ पर? देखो हमारा परंपरा में सब रसी के है, सब निकुंज के सब मंजरी सखियां हैं, ये स्वरूप दामोदर राय रामानंद जो ललिता विशाखा रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रूप मंजरी लवंग मंजरी, और वहां से फिर वो भक्तधारा जीव गोस्वामी जो विलास मंजरी, फिर श्री विश्वनाथ चकोर ठाकुर ये मंजरी है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ये कमल मंजरी, फिर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कौन है? बोले स्वयं नयन मणि मंजरी। उसके बाद में हमारे परम गुरुदेव कौन है? विनोद मंजरी। और गुरुदेव कौन है? रमण मंजरी। देखो हम जो जिस परंपरा में हम आए हैं वो बड़ी रसी की परंपरा में आए, इसलिए आपका गुरु जी की वंदना में क्या कहते हैं, क्या श्लोक है, क्या श्लोक है गुरु जी का वंदना में? अरे बोलो राधिका इत्यादि। उसके बाद में अरे इसलिए कहते उसमें, इसलिए गुरुदेव का वंदना में कहते हैं हाँ, वंदना में कहते हैं राधि, कहते श्रीमती राधा रानी का अत्यंत अत्यंत जो प्रिय है। इसलिए आप लोगों का जो गुरुदेव साधारण नहीं, देखो आपके गुरुदेव को स्वयं राधा रानी प्रतिष्ठा करती हैं। देखो आप लोग जो गुरु जी के पास में आए हो, आप लोगों का हम सौभाग्य बता रहा हूँ, आप लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप लोग स्वयं राधा रानी का। जब 2 साल पहले 3 साल पहले जब वृंदावन में परिक्रमा हो रहा था, कार्तिक परिक्रमा हो रहा था, एक समय सेवा कुंज का पुजारी वो कुछ प्रसाद लेकर के आया हाँ, दोपहर में प्रसाद लेकर के आया, माधव महाराज थे। बोले गुरुदेव को हम प्रसाद देना चाहते, सेवा कुंज बोले मुझे दे दो। बोले नहीं, मैं अपना हाथों से आपको गुरु जी को देना चाहता हूँ। तो उन्होंने गुरु जी को पास में ले गए, वो स्वयं पुजारी बोल रहा था सेवा कुंज का, बोले राधा रानी मुझे रात को स्वप्न दिया है, बोले श्रील भक्ति वेदांत जो नारायण गोस्वामी महाराज ये मेरी सखी है हाँ, राधा रानी बोली मेरी सखी है, और ये प्रसाद को लेकर के अपना हाथों से मेरा प्रसाद बोल करके उनको देना हाँ, ये राधा रानी मुझे स्वयं बता। तो गुरुदेव जो कोई प्रसाद आते हैं गुरुदेव कुछ प्रणाम ही देते हैं, तो गुरुदेव 1101 रुपया निकाल करके प्रणाम देने के लिए चाह, बोले नहीं मैं सबसे लेता हूँ आपसे नहीं ले सकता। बोले क्यों? बोले राधा रानी ने मेरे को आदेश दिया है ये प्रसाद आपको देने के लिए, इसलिए मैं आपसे प्रणाम नहीं ले सकता, आप मेरे पूज्य हो, ये बोल कर पुजारी देगा। इसलिए स्वयं राधा रानी
हमारे गुरु जी को स्थापन करते हैं, ये कोई साधारण नहीं आपके गुरु जी, ये राधा रानी की ये निज जन है। बोले श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भागवत में कदे श्री सुखदेव गोस्वामी उन्होंने राधा रानी का नाम कहां कहां उन्होंने दिखाया, कदे हमारे श्री जीव गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवत में बहुत सारी जगह में वो राधा रानी का नाम को वो दिखाते हैं। कदे जो प्रथम श्लोक है, कदे प्रथम श्लोक में विश्वनाथ, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, बोले भैया ये श्लोक किसके लिए है, बोले श्री राधा रानी के लिए। हाँ, क्योंकि नियम है, बोले प्रथमंतु गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम। नियम है पहले गुरु जी की वंदना, उसको बाद में कृष्ण कहते फिर मेरी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो मेरी सेवा निष्फल हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी जब प्रारंभ करते हैं, उनका गुरु कौन है, बोले श्री राधा रानी है। हाँ, राधा रानी, इसलिए सर्वप्रथम श्री राधा रानी की चरण में ये प्रणाम करते, बोले जन्मादस्य जतः, बोले जिनसे ये आदि रस श्रृंगार रस जिनसे प्रकट होता है, ऐसे जो सत्यम परम धीमहि, ऐसे जो भगवान की जो पराशक्ति श्री राधा जी के चरण में हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पर जो सत्यम परम धीमहि, जो परम जो सत्य है, कभी जो पर शब्द ये परा शब्द है, तब वो उदाहरण देते हैं, बोले देवी कृष्णमय प्रोक्ता राधिका परा देवता सर्व लक्ष्मीमय सर्व सन्मोहिनी परा। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में ये श्लोकों को विशुद्ध व्याख्या करते हैं। बोले राधा रानी का पहला नाम क्या, बोले देवी। बोले देवी मतलब क्या, दत्त माना, जो सुंदर बड़े तेजस्वी पूर्ण, इसलिए सब श्रीमती राधा रानी जब वृंदावन में प्रकट होती हैं, जिनके तेज से संपूर्ण वृंदावन उद्भासित हो जाता है। हाँ, इसलिए हम लोग कार्तिक महीना जाजन करते हैं ना, कार्तिक महीना का नाम क्या है, ऊर्जा व्रत है। हाँ, ऊर्जा व्रत, कार्तिकेश्वरी कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी। ऊर्जा मतलब होता है प्रकाश, तेज, कृष्ण को भी जो प्रकाश करते हैं। हाँ, इसलिए वो महीना का नाम श्री राधा रानी की व्रत है, कहते श्री कार्तिक व्रत है। बोले देवी, राधा रानी का दूसरा नाम क्या, बोले देवी कृष्णमयी, उनका नाम कृष्णमयी है। कृष्णमयी क्या मतलब, बोले भीतर बाहर जिसका कृष्ण ही कृष्ण है। हाँ, इसलिए राधा रानी का एक नाम श्यामा है। बोले श्यामा मतलब क्या है, संपूर्ण श्याम रंग में जो संपूर्ण डूबी हुई है। हाँ, इसलिए राधा रानी कौन सा कलर का वस्त्र पहनती है, बोले नील बसना गौरी रूपे गोने धन्य। बोले नील वस्त्र धारण करती है, बोले क्यों, बोले श्याम सुंदर का रंग नील है ना, इसलिए वो नील वस्त्र को धारण करती है। इसलिए बोले कृष्णमयी, बोले भैया ये कृष्णमयी राधा रानी ये कहाँ पर प्रमाण होता है, हर जगह में देखो राधा रानी कैसे है, गोरी है, लेकिन राधा रानी कहीं काली रूप भी धारण की है। आप बता सकते हो कहाँ पर राधा रानी का रंग काला रंग है, बता सकते हो कहीं राधा रानी का रंग कहाँ पर काला है, बताओ बताओ कहाँ पर राधा रानी का रंग काला, कहाँ पर तुमने देखा, हे भगवान, कोई नहीं बता सकते हो, बताओ। राधा रानी का रंग सब जगह में देखो गोरी गोरी है। हाँ, लेकिन कहीं राधा जी काली रंग भी है, कहीं बता सकते हो कहीं, हाँ पूरा संपूर्ण राधा रानी काली काली है। हाँ, ये तोटा गोपीनाथ जगन्नाथपुरी में, आप तोटा गोपीनाथ में देखोगे राधा रानी काली है। कृष्ण चिंता करते करते कहते राधा रानी स्वयं काली बन गई, और हमारे परम गुरुदेव ने क्या स्थापन किया, कृष्ण को कैसे रंग का सफेद रंग है, बोले क्यों, बोले राधा चिंता निवेशना जस्य कांतिर विलंबिता। राधा रानी की चिंता करते 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 एकदम कृष्ण राधा रानी का रंग धारण कर लिया। इसलिए हमारे मंदिर में जो विग्रह है कहते रूपानुगत को, इसलिए आपको परम गुरुदेव ने हम आपके मंदिर में जो राधा देखने में कैसे गौरी वर्ण, कृष्ण देखने में गौरी, महाप्रभु गौरी, तीनों एक रंग, कहते मतलब क्या है,
कहते इसका मतलब क्या है, तीनों ही ठाकुर देखो एकदम राधा रानी का रंग, इसलिए यहाँ पर दिखाए। अब परम गुरु जी ने कहा यहाँ पर ये रूपानुगत को उन्होंने स्थापन किया है। रूपानुगत का मतलब है कहते कृष्ण के तीन तरह के सखियां है, एक तटस्थ है, अब स्वपक्ष और एक विपक्ष, तीन तरह का ये सखियां है। हाँ, इसलिए कहते जो स्वपक्ष है बोले कौन है, बोले श्री राधा रानी का पक्ष में जो रहने वाले, जो कृष्ण का पक्ष में नहीं, चंद्रावली का पक्ष में नहीं। बोले तटस्थ कौन है, बोले कृष्ण पक्ष और राधा पक्ष दोनों में तटस्थ है, और जो विपक्ष कौन, बोले चंद्रावली। लेकिन हम लोग किस पक्ष का है, हम लोग किसका पक्ष लेने वाले, इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं बोले राधिकार दासी जदि हाय अभिमान शीघ्र मिलाई तब गोकुल खाना। राधिकार दासी जदि हाय अभिमान शीघ्र मिलाई तब गोकुल को सहज में प्राप्त नहीं कर सकते हो, कृष्ण बहुत टेढ़े हैं। यहाँ पर दिखाए भैया कृष्ण को अगर कोई पाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी कृष्ण मिलेंगे कैसे, बोले एक उपाय है अगर किसका मन में इतना भावना हो जाए हम राधा रानी की दासी हैं, हम राधा जी की पक्ष है। हाँ, इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं बोले अनाराध राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तत् अटबिम असंभाष तद भाव गंभीर चिता कुतः श्याम सिंधु रस श्याम गा। किसने कहा, कोई एक बहुत बड़े दूसरे संप्रदाय के कोई साधु ने एक पद लिखा था जिस पद में था मैं तो श्याम रंग में रंगी, मतलब है कृष्ण भक्ति रंग में मैंने डूब गया है, बड़े बड़े रसियों रसिकों को पाद में पद गया। भैया सुन सुनकर भैया बड़े सुंदर पद है, मैं कृष्ण रंग में रंग गया, और भी बड़ा सुंदर सुंदर पद था। लेकिन ये जब पद कहते जब श्री जीव गोस्वामी को पास में आया, जीव गोस्वामी इसका आंसर लिख कर भेज रहे बोले भैया इतने आसानी मत समझो कृष्ण भक्त तुमको मिल जाएगा, भैया कृष्ण टेढ़े आदमी है, उनका भक्ति भी बड़ी टेढ़ी है, इसलिए तू टेढ़ी 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 नजरिया, इसलिए कृष्ण बड़े टेढ़े उनको पाना बड़ा कठिन है। हाँ, अगर तुम कृष्ण भक्ति रस में रंगना चाहते हो तो तुमको तीन काम करना पड़ेगा, तब तो कहीं तुमको कृष्ण भक्ति मिल सकता। बोले पहला किया बोले अनाराध राधा पदाम्भोज रेणु, जब तक श्री राधा रानी की चरण की धूली में तुम अभिषिक्त नहीं होते हो। हाँ, और दूसरा चीज क्या है बोले राधा रानी की चरण के द्वारा अंकित ये जो वृंदावन धाम है, जब तक इसे वृंदावन धाम का आश्रय नहीं करते हो। अब सबसे जो बड़ी चीज है कृष्ण भक्ति रस में जो डूबा हुआ साधु है, बोले जब तक इनकी चरणों का आश्रय नहीं ग्रहण करते हो, इनकी कृष्ण कथारूपी मंदाकिनी रसधारा में जब तक तुम गोता नहीं लगाते हो, बोले कुतः श्याम सुंदर रसस्य बगाओ, इतना आसानी नहीं कृष्ण भक्ति रस मिल जाएगा। इसलिए सबसे जो बड़ी चीज है राधा रानी की भक्ति रस में जो सरावर है, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, हमारे गुरु जी में एक विशेष वस्तु था, हमारे श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज गौरव गोविंद महाराज, ये दोनों का भाव एक ही भाव था। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमती राधा रानी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय।